हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अपनी कार में थे जब अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात में नफे सिंह राठी के एक समर्थक की भी मौत हो गई है, जबकि उनके दो सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी में चल रहा है। वारदात रविवार करीब 5:15 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात बहादुरगढ़ की बाहरी फाटक के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार नफे सिंह राठी अपनी फॉर्चूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सफेद रंग की I-10 गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा फायरिंग की गई। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के शीशे और गाड़ी के लोहे की बॉडी को आर पार कर गोलियां अंदर बैठे नफे सिंह राठी और अन्य लोगों को जा लगी। बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी की गर्दन पर 2 गोलियां लगी। इतना ही नहीं, उनकी कमर और अन्य जगहों पर भी गोलियों के निशान बताए गए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी पर भी गोलियों के कई निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक रहे नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके समर्थक जय किशन दलाल मंडोठी की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी को भी कई गोलियां लगी हैं। उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी CPR किया गया, बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रो डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे, और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। क्या गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में, मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पिंड है जो घायल है क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का BP थोड़ा सा लो है, जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। CT स्कैन वगैरह भी किया है, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। घटना की सूचना मिलते ही झज्जर जिले के SP अर्पित जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू करवाई गई। एक तरफ झज्जर पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, तो वहीं इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के STF की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है, और जो भी इसमें आरोपी है उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए। कोई एक्सपर्ट भी है वहाँ सर? अभी मैं मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं, और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको करेंगे। पुलिस फिलहाल कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मगर इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही इनेलो नेता अभय चौटाला भी बहादुरगढ़ पहुंचे। अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी के परिजनों से बातचीत की। उन्होंने पुलिस के मामले की उच्च स्तरीय जाँच करने की भी मांग की है।